नमस्कार, मैं सोनम शाही स्वागत करती हूं आपका प्रजातंत्र टीवी में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करना शुरू कर चुकी है। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, तो अब राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, राजनीतिक दल जिस तेजी से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह प्रत्याशियों को तैयारी का पूरा मौका देना चाहती है। बीजेपी आम तौर पर सबसे पीछे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती है, लेकिन इस बार उसने पहले ही 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को यहां बैठक की थी, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और भावी रणनीति पर चर्चा की गई। सीईसी सदस्यों ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले दोनों राज्यों के नेताओं की ओर से जमीनी रिपोर्ट साझा की गई। पार्टी उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसे एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनका मानना है कि वह मजबूत उम्मीदवारों के चयन सहित कुशल रणनीति के साथ बाजी अपने पक्ष में बदल सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तथा अमित शाह सहित सीईसी के अन्य सदस्य मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रमन सिंह के अलावा दोनों राज्यों के संगठन से जुड़े कुछ प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल हुए। इसी तरह की सीईसी बैठक अन्य राज्यों के लिए भी आयोजित की जा सकती है। सीईसी की बैठक आयोजित करने का पार्टी का निर्णय आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद होती है, लेकिन इस बैठक का आयोजन इस बात को रेखांकित करता है कि 5 राज्यों के चुनाव भाजपा के लिए कितना महत्व रखते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य विधानसभा चुनाव का यह अंतिम दौर होगा। आपको बता दें, यह बैठक बुलाया जाना इस बात का भी संकेत है कि राज्यों के चुनाव प्रचार अभियान में केंद्रीय नेतृत्व की अधिक भागीदारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। भाजपा केवल मध्य प्रदेश में सत्ता में है और राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जबकि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ प्रजातंत्र टीवी में।